पब्लिक टीवी आपकी आवाज। देखिए पूरे जनपद में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया, इसके लिए मैं सभी नगरवासियों को और सभी अपने मीडिया के साथियों को, अपने सभी अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि सबके सहयोग से, सकारात्मक सहयोग से बहुत ही अच्छा मतदान हुआ। यद्यपि मतदान प्रतिशत थोड़ा कम रहा, लेकिन पूरे ज़िले में शांतिपूर्ण और निर्बाध मतदान संपन्न हो सका और ये सब आप लोगों के सहयोग से संपन्न हुआ। अगर हम मतदान प्रतिशत की बात करें तो नगर निगम मुरादाबाद ने 43.32% 43.32% मतदान हुआ है। नगर पालिका ठाकुर द्वारा में 69.70% मतदान हुआ है। नगर पालिका बिलारी में 61.13% हुआ है। नगर पंचायत भोजपुर में 71.05% मतदान हुआ है। नगर पंचायत कांट में 71.01% मतदान हुआ है। नगर पंचायत उमरी कला में 70.83% मतदान हुआ है। नगर पंचायत कुंदरकी में 63.40% मतदान हुआ है। नगर पंचायत बागबाड़ा में 65.37% मतदान हुआ है। नगर पंचायत अगवानपुर में 59.17% मतदान हुआ है। नगर पंचायत ढकिया में 77.62% मतदान हुआ है और नगर पंचायत महमूदपुर माफी में 61.74% मतदान हुआ है। पूरे जनपद का अगर हम टोटल देखें तो 50.01% लोगों ने अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किया है। कुल मतदाताओं की हम बात करें तो ज़िले में 947,000 मतदाता थे, जिसमें से 50% लोगों ने अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किया है। और सबसे अच्छी बात यही है कि पूरे जनपद में शांतिपूर्ण, निर्बाध और निष्पक्ष मतदान संपन्न हुआ और किसी भी बूथ से किसी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं। सर कितने पोलिंग बूथ थे और कितने मध्य स्थल थे पूरे जनपद? देखिए अगर हम पोलिंग बूथों की बात करें तो पूरे जिले में 885 पोलिंग बूथ थे, जिसमें से 578 नगर निगम में थे, बाकी जो 10 अन्य नगर निकाय थे उसमें। अब पोलिंग पार्टियां सर अपने अगले स्थान पर पहुंच चुकी हैं। देखिए अब सभी अपने अपने तहसील मुख्यालयों पर और नगर निगम की और जो सदर तहसील की पोलिंग पार्टियां हैं वो मंडी समिति में जमा हो रही हैं। अब धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हो गया है और हम समझते हैं कि रात 10 बजे तक सारी हमारे EVMs या बैलेट बॉक्स जमा। सर एक दो इलाकों से इस तरह की भी सूचना है कि जो मतदाता सूची में उनका नाम नहीं था मतदाताओं? देखिए जैसा आप जानते हैं कि लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन के बाद मतदाता सूची में किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। जिन लोगों ने लास्ट डे आप नामांकन तक अपने आपत्तियां दी थी उसका डिस्पोजल किया गया था और इस उसका प्रकाशन नहीं है। जिन लोगों ने लास्ट डे आप नामांकन तक अपने आपत्तियां दी थी उसका डिस्पोजल किया गया था और इस उसका प्रकाशन भी किया गया था। समय से अगर किसी ने आपत्ति नहीं की है तो निश्चित रूप से इसमें उसकी भी फॉल्ट है और इस स्टेज पर आज के दिन इसमें कोई कार्रवाई करना संभव नहीं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।